सभी बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूं, अच्छा से अच्छा इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकूं। कहीं ना कहीं आपको इसमें दिक्कत होता होगा, इंग्लिश स्ट्रक्चर जो भी वर्ब का प्रयोग किया है वो और किस प्रकार उसके ग्रामर के रूल के साथ उसका उपयोग किया जाए ये समझने में कठिनाई होती है, जिस वजह से आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इस सभी समाधान को लेकर मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार टेंस का यूज करना है, किस प्रकार ग्रामर का यूज करना है और इसमें जो भी वर्ब का यूज किया गया है वो भी मैं बताऊंगा किस प्रकार यहाँ पे वर्ब का भी यूज किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड मीनिंग और वर्ब के यूज बताया गया है जो आपको स्पोकन में काम आएगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। चलिए बिना देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज की कहानी का टॉपिक है द जैकॉल रिमैन ए जैकॉल। देखिए जैकॉल मतलब होता है सियार, रिमैन मतलब क्या होता है, जो चीज़ है वही चीज़ हमेशा रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिमेंस। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है हमेशा ये क्या करेगा, पेंसिल ले रहेगा, पेन थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, यानी द पेंसिल रिमेन ए पेंसिल, समझ रहे हैं, यानी पेंसिल क्या होता है, हमेशा पेंसिल ही रहता है, पेन नहीं बन सकता है। उसी प्रकार ये भी बोल रहा है कि द जैकॉल रिमेन इज जैकॉल, यानी जो सियार है वो हमेशा क्या होता है, सियार ही रहता है। ठीक है, यानी जो जैसा व्यक्ति है वैसा उसी व्यक्ति, मतलब वैसा ही वो व्यक्ति रहता है, भले कुछ दिन के लिए उसमें बर्ताव में चेंज आ जाए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। चलिए बिना देरी हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट, लायन को कहा जाता है द किंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल का राजा। ठीक है, यानी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है या फिर जंगल के राजा के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, नॉट जस्ट इसको क्या करना है, स्पोकन में यूज करना है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉट जस्ट मतलब नॉ केवल, क्योंकि ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है, क्योंकि वह मजबूत है इसलिए नहीं कि उसको राजा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें, बट आल्सो इसलिए भी, यहाँ पे बट का यूज, देखिए बट का यूज क्या होता है, लेकिन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बट का यूज इसलिए का यूज होगा। ठीक है, बट आल्सो इसलिए भी, आल्सो का मतलब होता है भी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी कंसिडरेट, वह ये मतलब कहता है बहुत कंसिडरेट, मतलब होता है विचारशील। ठीक है, यानी क्या होता है, विचारशील उसको कहा जाता है। ठीक है, वह बहुत ही विचारशील है। ही नेवर, वह कभी नहीं मारता है या फिर हत्या करता है, अननेसेसरी मतलब बिना वजह का। ठीक है, वह कभी भी बिना वजह हत्या नहीं करता है। वंस एक बार अ लायन वॉज रिटर्निंग, एक शेर लौट रहा था, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या वाज वेर का प्रयोग हुआ और उसके बाद भर में आई एन जी का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा यूज होएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेर का अगर प्रयोग होता है उसके बाद अगर भर में अगर आई एन जी का प्रयोग होता है तो वो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक बार क्या था, शेर लौट रहा था टू हिज डैन, यानी अपनी गुफा में, हिज मतलब होता है अपने, डैन मतलब होता है गुफा। ठीक है, यानी एक शेर क्या करता, लौट रहा था अपनी गुफा में, आफ्टर ए नाइस हंट, यानी एक अच्छे शिकार के बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद, ये कंजक्शन होता है। ठीक है, सेंटेंस को क्या जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, एक शिकार मतलब एक अच्छे शिकार के बाद वह अपनी गुफा में लौट रहा था, ही फाउंड उसे मिला एन इन्फेंट जैकॉल क्राइंग। ठीक है, एक बच्चा सियार रोते हुए, क्राइंग मतलब क्या, तो रोते हुए, क्राइ मतलब होता है यहाँ पे आई एन जी है मतलब रोते हुए, यानी एक एक बच्चा शिकार सियार क्या उसे रोते हुए मिला। द बेबी हैड लॉस्ट हिज पेरेंट, बच्चा हैड लॉस्ट मतलब क्या, खो दिया था, हिज पेरेंट यानी अपने माता पिता को, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, माता पिता, यानी जो बच्चा था, जो बच्चा जो था वो बच्चा क्या कहता है, अपने माता पिता को खो दिया था। द लायन टुक पिटी, शेर को टुक पिटी मतलब क्या, दया आ गया ऑन हिम उसके ऊपर, टुक पिटी मतलब होता है दया आना, पिटी मतलब होता है दया, टुक पिटी मतलब क्या, दया आ गया ऑन हिम, ऑन हिम मतलब किसके ऊपर, उस बच्चे के ऊपर दया आ गया। एंड बाउथ और ले लिया हिम उसे, बाउथ हिम उसे ले लिया टू हिज डेन और उसे क्या किया, अपने गुफा में ले गया। डियर वाइफ प्यारे पत्नी या फिर प्रिय पत्नी, आई फाउंड मुझे मिला है या फिर मैं पाया हूँ। ठीक है, दिस बेबी यानी यह बच्चा सियार यानी जैकॉल को, ठीक है, यानी यह बच्चा सियार को मैं पाया हूँ,
क्राइंग रोते हुए इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट, तलाश करते हुए अपने माता पिता का, ठीक है, अपने माता पिता के तलाश करते हुए, ठीक है, रो रो कर तलाश करते हुए इस बच्चा सियार को मैं पाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्च मतलब होता है तलाश करना, ऑफ हिज पेरेंट मतलब होता है क्या, अपने माता पिता। आई थिंक मुझे लगता है दिस पेरेंट आर लॉस्ट, यानी इसका जो माता पिता है, आर लॉस्ट मतलब क्या, खो गया है। टेक केयर ख्याल रखना या फिर ध्यान रखना, ऑफ हिम इसका, ठीक है, उसका ख्याल रखना या फिर ध्यान रखना, लाइक जैसे कि आवर क्यूब्स यानी हमारे बच्चे, यानी जो कि क्यूब्स का मतलब होता है जो शेर के बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं क्यूब्स, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, हमारे बच्चे के जैसा इसके भी ख्याल रखना। ही टोल्ड उसने कहा टू द लाइनस यानी शेरनी को, LIONES लाइनस, ठीक है, लायन का ये क्या है, स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, यानी शेरनी को कहा। आगे इस तरह देखें, इस तरह अगर आगे देखें तो क्या हो जाएगा, द लायनेस यानी शेरनी आल्सो भी, ठीक है, शेरनी भी टू केयर ऑफ द बेबी यानी यानी जो बच्चा था उसका क्या, ख्याल रखने लगा, ठीक है, यानी सियार का जो बच्चा था उसका ख्याल रखने लगा, लाइक हर आउन क्यूब्स यानी जैसे कि क्या, अपने बच्चे के जैसा, अपने बच्चे के जैसा उसका भी क्या, ख्याल रखने लगा। द बेबी जेकॉल यानी सियार का बच्चा, यानी जो बच्चा जेकॉल था, यानी जो बच्चा सियार था, ग्रो अलोंग यानी क्या, बड़ा हुआ, विथ द रिमेनिंग क्यूब यानी जो शेर का जो बच्चा जो था उसके साथ क्या हुआ, वो बड़ा हुआ। द क्यूब्स टू एक्सेप्टेड यानी जो शेर का जो बच्चा था वह भी क्या हुआ, स्वीकार कर लिया द जैकॉल यानी सियार को एज देयर ब्रदर, ठीक है, जैसे कि कैसे, अपने भाई के जैसे, ठीक है, वह उस जो सियार का जो बच्चा था मतलब सॉरी सियार का जो बच्चा था यानी शेर के बच्चे ने क्या किया था, उसे अपने भाई के जैसे स्वीकार कर लिया, वो भी समझने लगा कि वो मेरा क्या है, भाई है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये शेर है, ये शेर क्या कर रहा है, बच्चे को उठा के ला रहा है। और एक फिगर यहाँ भी, ठीक है, ये रहा थी और यहाँ पे क्या है, क्यूब्स है और ये रहा बेबी जैकॉल। आगे देखे तो क्या हो जाएगा, द लाइनेस यानी शेरनी बिगेन टू टीच, ठीक है, शुरू किया, टीच मतलब क्या, सिखाना, हर क्यूब यानी अपने बच्चे को, ठीक है, यानी जो शेरनी जो था उसने क्या किया, अपने बच्चों को सिखाना शुरू किया, हाउ टू हंट यानी शिकार कैसे किया जाता है, हाउ टू हंट मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, हाउ टू हंट यानी शिकार कैसे किया जाता है, बेबी को सिखाना शुरू किया, ठीक है। द जैकॉल टू ज्वाइन यानी सियार भी, ठीक है, ज्वाइन मतलब क्या, शामिल हुआ, इन द ट्रेनिंग यानी जो प्रशिक्षण जो दे रहा था उस ट्रेनिंग में क्या हुआ, जैकॉल भी शामिल हुआ। वंस एक बार द जैकॉल फाउंड यानी जैकॉल ने क्या पाया, एक हाथी यानी ए एलिफेंट मतलब क्या, तो एक हाथी को जैकॉल ने, एक हाथी को पाया, ग्रेजिंग इन द ग्रासलैंड यानी घास के मैदान में चरते हुए। ही कॉल्ड आउट उसने बुलाया, कॉल्ड आउट मतलब क्या था, बुलाना होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉल्ड आउट है इसलिए क्या था, बुलाया, डियर ब्रदर प्यारे भाइयों, नाउ इज द टाइम समय आ गया है, अब समय आ गया है, ठीक है, फॉर अस हमारे लिए टू अटैक आक्रमण करने का, दिस बिग एनिमल यानी बड़े जानवर के ऊपर आक्रमण करने का समय आ गया है। द अदर क्यूब यानी दूसरे जो शेर के जो बच्चे थे, वार्न यानी चेतावनी दिया, सॉरी ब्रदर माफ करना भाई, दिस इज एन एलिफेंट यह क्या है, हाथी है, यह एक हाथी है, वी कांट अटैक हम नहीं सकते हैं, कैन मतलब होता है सकना, यहाँ पे कैन नॉट है मतलब क्या, नहीं सकते हैं आक्रमण कर, ठीक है, हम आक्रमण कर नहीं सकते हैं, और किल हिम और उसे मार भी नहीं सकते हैं। द जैकॉल डिड नॉट हीड देयर वर्ड, जैकॉल ने क्या, डिड नॉट हीड मतलब क्या था, ध्यान नहीं दिया या फिर नज़रअंदाज कर दिया, देयर वर्ड यानी उनके बातों का या फिर उनके शब्दों का। ही लेफ्ट टू अटैक वह उछला आक्रमण करने के लिए, द एलिफेंट कॉच हिम हाथी ने क्या क्या, कॉच मतलब क्या, पकड़ लिया, ही मतलब उसे, ठीक है, हाथी ने उसे पकड़ लिया, और ग्रो बड़ा हुआ हिम, सॉरी
यहाँ पे थ्रो है, ठीक है, हाथी ने उसे पकड़ लिया और क्या किया, थ्रो मतलब फेंक दिया हिम आउट, ठीक है, और उसे क्या था फेंक दिया अप द वे यानी रास्ते से हटा दिया, ठीक है, एंड वेंट ऑन और चलता गया अपने रास्ते पे। आगे देखा द जैकल रिटर्न, जैकल क्या था वापस आया टू ड्रेन यानी गुफा में और रिपोर्टेड टू लाइनेस और शेरनी को बताया, रिपोर्टेड मतलब होता है बताना, ठीक है, और शेरनी को बताया द लाइनेस सेड यानी जो शेरनी था उसने कहा लुक माई डियर बेबी, ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चे यू कांट किल एन एलिफेंट ऑल योर लाइफ, ठीक है, तुम नहीं मार सकते हो, कांट मतलब क्या सकना होता है, यहाँ पे नॉट है नहीं सकते हो, किल मतलब क्या था मार्स, ठीक है, तुम नहीं मार सकते हो एक हाथी को, ठीक है, ऑल योर लाइफ यानी पूरा तुम्हें अपने जीवन भर में, ठीक है, पूरे जीवन भर में तुम एक भी हाथी को नहीं मार सकते हो, बिकॉज क्योंकि यू आर जस्ट ए जैकल तुम केवल एक क्या सियार हो, द लायन फाउंड शेर ने क्या पाया था तुम्हें, ठीक है, द लायन फाउंड मतलब शेर ने तुम्हें पाया था क्राइंग रोते हुए अलोंग अकेले, ठीक है, एंड ब्राउट यू हेयर और तुम्हें ले आया, बहुत मतलब क्या था लाना, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे क्या ले आया, हेयर मतलब होता है यहाँ, आवर क्यूब्स हमारे बच्चे, ठीक है, डोंट येट नाउ अभी तक नहीं जानते, डोंट येट मतलब क्या अभी तक नहीं, यहाँ पे जानना का होता है नाउ के एंड ऑफ नाउ, ठीक है, अभी तक नहीं जानते हैं यू आर ए जैकल तुम एक सियार हो, बट लेकिन लेकिन व्हेन जब दे फाइंड इट आउट जब उसे पता चलेगा, दे फाइंड इट आउट जब उसे पता चलेगा यू विल बी इन डेंजर तुम खतरे में पड़ जाओगे, सो इसलिए यू आर बेटर अच्छा होगा कीप गोइंग चलते रहो ऑन योर लाइफ और अपना जीवन में, ठीक है, यानी जो जीवन है और उसे जीते रहो, जस्ट देन तभी द जैकल अंडरस्टैंड रियलिटी तभी क्या हुआ जैकल को अपनी वास्तविकता क्या पता चला, इसलिए मोरल क्या है कहानी बेसिक कैरेक्टर यानी जो उसका बुनियादी जो स्वभाव है डोंट चेंज मतलब क्या था वो बदल नहीं सकता, ठीक है, जैसे कि हम लोग का स्वभाव क्या है इंसान का स्वभाव है इंसानियत, ठीक है, कुछ शैतान लोग भी है उसका क्या है शैतानी करना उसका स्वभाव है, ठीक है, जैसे विद्यार्थी का स्वभाव है उसको पढ़ना, ठीक है, ये उसका जो बुनियादी जो सोच है यानी स्वभाव है वो कभी आता है बदलता नहीं है, ठीक है, चलिए इस वीडियो में ये तक, अगले वीडियो में तक, फिर यहाँ तक के लिए जय हिंद।